Hi guys, welcome back to our YouTube channel Techibiz. दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बजट 40 इंचेस टीवी लेकर आई हूँ, जो इंडिया का पहला 40 इंचेस 4K स्मार्ट टीवी है। ये थॉमसन कंपनी की नई UD9 सीरीज का टीवी है, जिसकी सेल 15 और 16 मार्च के मध्य रात 12 बजे फ्लिपकार्ट पे शुरू होगी। तो चलिए पहले हम इस टीवी की अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर उसका परफॉर्मेंस चेक कराएंगे। इस टीवी का प्राइस केवल 20,999 है। परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको उसके रिलीज होते ही मिल जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टीवी इस कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे से पैक होकर आता है। सेफ्टी के लिए टीवी को थर्मोकॉल के बीच नीटली रखकर आप तक पहुंचाया जाता है। इस टीवी के साथ आपको ये वॉल माउंट, ये टेबल टॉप स्टैंड, मैनुअल गाइड, ये रिमोट और दो AAA साइज बैटरीज मिलती हैं। टीवी के साथ आया रिमोट सिंपल है, लेकिन एक बटन को पुश करके आप इसे नेविगेशन बटन्स के थ्रू एयर रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हैं। टीवी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसका बीजल ब्लैक शाइनी फिनिश के साथ आता है, जो अल्ट्रा स्लिम तो नहीं लेकिन स्लिम कहा जा सकता है। इस टीवी का स्टैंड भी बॉडी कलर की ही तरह ब्लैक है। यहाँ सेंटर में आपको थॉमसन का लोगो दिया गया है। इसमें आपको 3 HDMI और 2 स्टैंडर्ड USB पोर्ट्स दी गई हैं। साथ में है इथरनेट पोर्ट, 2 AB इन पोर्ट, 1 RF इन पोर्ट और कोएक्सियल आउटपुट। इस टीवी में आपको HDMI ARC दी गई है, जिससे आप अपना होम थिएटर भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टीवी ईलेट बैकलाइटिंग और सैमसंग के जीरो ब्राइट डॉट्स VA पैनल के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस 350 निट्स है और डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसमें आपको 40:1 का मिलेगा। ये टीवी स्विच ऑन होने पे आपको थॉमसन के लोगो और विजडम शेयर के एनिमेशन से ग्रीट करता है। इस टीवी की UI काफी इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें माई वॉल फीचर दिया गया है, जहाँ आप लाइव टीवी के साथ साथ बहुत सारे एप्स एक्सेस कर सकते हैं। टीवी देखते हुए भी आप दूसरे कंटेंट्स ब्राउज कर सकते हैं। शोज के थंबनेल देखकर आप उन्हें देखें या ना देखें ये डिसाइड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। ये एक 4K टीवी है, लेकिन इस पे HD चैनल्स काफी अच्छे दिखते हैं। ये टीवी HDR10 सपोर्ट के साथ आता है। पिक्चर सेटिंग्स में आपको HDR को इनेबल करने का और 4K एनहांसमेंट का फीचर भी दिया गया है। इसमें आपको स्टैंडर्ड, डायनेमिक, सॉफ्ट, विविड और यूजर मोड्स दिए गए हैं। इस टीवी पे HD चैनल्स फुल HD टीवी की तरह बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन दूसरे 4K टीवीज के कंपैरिजन में काफी अच्छे दिखते हैं। इस टीवी की साउंड लाउड और क्लियर है। इसमें आपको 10 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। नॉर्मल यूजर्स के लिए इस टीवी की ऑडियो एक बड़े हॉल के लिए भी सफिशियंट है। ऑडियो बहुत क्लियरली सुनाई देती है। आपको इसके साथ किसी भी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउंड के लिए इसमें आपको स्टैंडर्ड, म्यूजिक, थिएटर, न्यूज और यूजर मोड्स दिए गए हैं। सराउंड साउंड भी आपको इस टीवी में मिल जाती है, लेकिन उससे ऑडियो लो हो जाती है और इको करती है, तो आप उसे ऑफ ही रहने दें। ये एक स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी है। इसमें आपको 1 GB रैम और 8 GB रोम मिलती है। इसमें आपको कॉर्टेक्स A73 डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें है माली 450MP का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉकिंग स्पीड है 540 MHz। इस टीवी में आपको इथरनेट पोर्ट के साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसका ऑपरेटिंग एंड्रॉइड सिस्टम 7.0 है। इसमें आपको हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे कुछ एप्स प्रीलोडेड ही मिल जाते हैं। यूट्यूब वीडियोस इस पे 4K रेजोल्यूशन तक चलती हैं। अब हम इस पे YouTube से कुछ 4K वीडियोस प्ले करके देखते हैं।
इस टीवी की 4K वीडियोस की क्वालिटी काफी इम्प्रेसिव है। 4K वीडियोस में कलर रिप्रोडक्शन और पिक्चर क्लैरिटी अमेजिंग लगती है। इस टीवी के ब्लैक्स डीप हैं और कलर्स नेचुरल हैं। ब्राइटनेस 40 इंच के टीवी के साथ फुल जस्टिस करती है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की वीडियोस इस पे HD रेजोल्यूशन में चल जाती है। इस टीवी की स्मार्टनेस ने मुझे काफी इम्प्रेस किया, क्योंकि जियो सिम से भी यूट्यूब की वीडियोस 4K रेजोल्यूशन में बिना बफरिंग के चली। किसी भी एप्लीकेशन को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, सारे एप्स इस पे स्मूथली रन हुए। जो एप्स इस पे नहीं दिए गए हैं, उन्हें आप साइड लोड भी कर सकते हैं या फिर इनके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टीवी में ऐप स्टोर के अलावा आपको एक ऑप्टिमाइज्ड गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है। इसमें आपको टीवी असिस्टेंट दिया गया है, जहां आपको कई यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। कास्टिंग का फीचर इस टीवी पे अच्छे से वर्क करता है। पिक्चर्स के साथ वीडियोस भी स्मूथली कास्ट होती हैं। पावर सेविंग के लिए इस टीवी में आपको इको मोड्स भी दिया गया है। इस टीवी की पिक्चर स्केलिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सेटिंग्स करनी होंगी। VA पैनल होने के बावजूद इस टीवी का व्यूइंग एंगल काफी अच्छा है। एक्सट्रीम एंगल से देखने पर भी पिक्चर अच्छी दिखती है। अब बात करते हैं इस टीवी के कॉन्स की। तो इस टीवी में USB और HDMI पोर्ट्स का प्लेसमेंट बहुत ही ऑड है। अगर आपने टीवी वॉल माउंट करा दिया तो उन पोर्ट्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको इस टीवी के लिए एक फ्लेक्सी माउंट लेना ही पड़ेगा। दूसरा कॉन इसका ये है कि और बजट टीवी की ही तरह इस टीवी का 60Hz का रिफ्रेश रेट फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर को रोक नहीं पाता है। लेकिन यही ड्रॉबैक तो बड़े ब्रांड के लोअर रेंज मॉडल्स के साथ भी है। मेरे हिसाब से इतने कम पैसों में एक अच्छा 4K स्मार्ट टीवी का मिलना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन छोटी कमियों को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।